For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सीरियल इश्क में मरजावा में आपको थ्रिलर, रोमांस और लव का मिश्रण इन दिनों खूब ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, जहां से अब आपका मनोरंजन हो चुका है डबल, क्योंकि देखिए ना, दर्शकों के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने अब मेकर्स ले आ चुके हैं शो में निक्कू को भी वापस, जहां पर निक्कू वाला ट्रैक भी बीच बीच में चलता चला जा रहा है। वहीं कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। तो अब तक आपने देखा कि कैसे मेहंदी की रस्म होती है, जहां पर तारा को कपड़े पहनवा कर ले आती है मेहंदी में आरोही, जहां उसे बोल देती है कि उसने एक हार पहना रखा है रोमा को और अगर उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो बम फट जाएगा, जिसके बाद तारा कुछ नहीं कर पाती। वहीं मेहंदी की रस्म शुरू होती है, जहां पर जैसलमेर से एक बुढ़िया आती है और वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि आरोही होती है, जो कि भेस बदल कर आती है। वहीं आपने देखा दीप पहले शक करने लग जाता है उसकी पहचान पर, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसके पीछे कोई झोल नहीं है। वहीं आपने देखा शो में ट्विस्ट तो तब आया जब विराट लेकर आता है वो ग्लास और वो सोचता है कि इससे वो फिंगरप्रिंट ले लेगा तारा के, जहां पर तारा ही होती है और वो फिंगरप्रिंट ले लेती है, लेकिन इतने में चवन्नी आकर उससे ग्लास ले जाता है। वहीं आपने देखा कि आरोही लगाती है तारा को मेहंदी, जहां पर मेहंदी में किसी और से तारा लिखवा लेती है हम शक्ल बुढ़िया, इससे कि वो दीप को ये साबित कर पाए कि ये बुढ़िया आरोही है। वहीं अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे जहां पर दीप के सामने आने ही वाला है आरोही की सच्चाई, जहां पर तारा उसको लिखा हुआ पढ़वा देगी। तो अब कहानी में बताया जा रहा है सोर्सेस की माने तो बुढ़िया का मेकअप उतरवाएगा दीप कि आखिरकार इसके पीछे है कौन सा असली चेहरा, जहां पर आरोही का चेहरा आ सकता है उसके सामने। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।